नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। बिहार की राजनीति में इस वक्त माहौल बेहद टाइट है और उसका असर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर दो बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। लिहाजा आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कांग्रेस को यूपी में 11 सीट का ऑफर दिया है। सपा मुखिया ने ट्वीट कर लिखा है कि ये अच्छी शुरुआत है। हालांकि सपा के इस ऑफर को कांग्रेस ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का ये कहना है कि अखिलेश के दिए गए ऑफर पर कमेटी फैसला करेगी। अब अखिलेश के ऑफर पर कई सवाल उठ रहे हैं, मसलन क्या कांग्रेस को सपा मुखिया का सीट शेयरिंग फॉर्मूला स्वीकार होगा। सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, और अगर तैयार नहीं हुई तो क्या यूपी में सपा कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। सवाल तमाम है जिन पर आज पब्लिक का रिएक्शन जानेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सीट बंटवारे पर बन गई बात, साथ आए साइकिल और हाथ। ट्वीट के जरिए अखिलेश का दावा, दावे की कांग्रेस ने निकाली हवा। विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच शनिवार की सुबह अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आया। ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदलेगी। एक तरफ अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो लगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर सपा कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान खत्म हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने अखिलेश के दावे की हवा निकाल दी। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि 11 सीटों को लेकर कोई भी सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस कमेटी इस पर फैसला लेगी, फिर कोई बात होगी। निश्चित तौर से मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि ये जो अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इस पे जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है, और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है, और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। धन्यवाद। सपा कांग्रेस के सीट शेयरिंग वाले समीकरण पर बीजेपी के सहयोगी ओपी राजभर ने निशाना साधा है। ओपी राजभर का कहना है कि इधर सीटों का ऐलान हो गया और उधर सोनिया गांधी को कुछ पता भी नहीं है। बिहार को देख करके अखिलेश जी घबराए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस भी हमको लात मार के भगा दे। इस नाते पहले ही बिना मांगे 11 सीट दे दे रहे हैं कि 11 हम दे दे रहे हैं। राजा को पता नहीं मुसार बन बांट लिए है। अरे बारे अखिलेश जी, कम से कम उनको सोनिया जी से, वो खड़गे जी से बैठ के बात करनी चाहिए, तब नहीं ये होता। वहाँ पते नहीं, यहाँ बांट दिए। बहरहाल सीट फार्मूले को लेकर सपा कांग्रेस में फिलहाल कोई एक राय नहीं बनी है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के आगे 11 सीटों का ऑफर रखा है, जिस पर कांग्रेस नेतृत्व को फैसला लेना है। ऐसे में देखना होगा कि क्या अखिलेश का ये ऑफर कांग्रेस को स्वीकार होगा, क्या कांग्रेस 11 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, या फिर अखिलेश यादव का ऑफर ठुकराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अखिलेश यादव की तरफ से ऑफर तो दे दिया गया है 11 सीटों को लेकर, लेकिन सवाल इसी बात का है कि क्या ये ऑफर कांग्रेस की तरफ से एक्सेप्ट होता है या फिर कांग्रेस इसे ठुकराने वाली है। जनता इस पर क्या सोचती है, यही जानने के लिए और किस तरह का माहौल है प्रदेश के अलग अलग जिलों में, जानने के लिए इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, इस वक्त सैयद अख्तर हमारे साथ रायबरेली से जुड़ रहे हैं, और साथ ही अतुल इस वक्त मैनपुरी से हमारे साथ है, ज्ञानेंद्र प्रताप इस वक्त उन्नाव से हमारे साथ है। एक एक करके सभी का रुख करते हैं, पहले आपको लखनऊ लेकर चलते हैं विशाल के पास। विशाल, अखिलेश यादव ने ऑफर तो कर दिया है कांग्रेस को 11 सीटों का, लेकिन क्या लग रहा है, ऑफर एक्सेप्ट होने वाला है या फिर कांग्रेस इसे ठुकराने वाली है? जनता वहां की क्या सोच रही है? देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव ने 11 सीटों का ऑफर कांग्रेस को जरूर कर दिया है, लेकिन कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने अभी तक चुप्पी साध रखी है। हमारे साथ तमाम लोग हैं राजधानी लखनऊ के, हम लोगों से जो है बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि कांग्रेस ने को जो है समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों का ऑफर कर दिया है, आपको लगता है कि सीटें काफ़ी हैं? मुझे लगता है कि चुनाव नहीं कराना चाहिए, राम राज आ गया, चुनाव नहीं होना चाहिए,
हिंदुराज घोषित कर देना चाहिए और मनुस्मृति लागू कर देना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति झगड़ा क्या है कि मेरा पटीदार है वो चाय वाला बगल में आके खोल दिया, यही सब तो झगड़ा है पब्लिक का। मनुस्मृति तो सबका स्थान निर्धारित है, दीपक चौरसिया जी आके पान लगाएंगे। नहीं देखिए, आप ये जो क्या कर रहे हैं व्यक्तिगत आपका, ये देखिए 11 जो सीटें जो है वो कांग्रेस की जो है दे दी है समाजवादी पार्टी ने, तो आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो है होनी चाहिए? नहीं देखिए, देश की जनता ने अपना मन बना लिया है। अब कांग्रेस पार्टी और ये NCP CPI या जितनी सारी विपक्ष के लोग हैं, TMC हो उसमें, ये सारे लोग पहली बात तो एक नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी से वैसे भी नहीं लड़ सकते। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया हमसे, जनता से जो वादा किया 370 हटाएंगे वो हटाया, मंदिर के बारे में जो उनका वादा था उन्होंने डिलीवर किया, इसलिए ये कोई भी गठबंधन बना ले, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि 400 प्लस सीटों के साथ वापसी करने जा रही है सत्ता में। अच्छा, ये जो सीटें दी हैं 11 सीटें जो कांग्रेस को दी है, आपको लगता है कि सही है, अब लड़ाई खत्म हो गई समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में सीटों को लेकर? अगर लड़ाई खत्म हो जाए तो दोनों के लिए हितकर है, वैसे अलग अलग उनके वोट चले जाएंगे, उनके वो कट जाएंगे, इसमें फायदा भाजपा को होगा। अगर मिलकर लड़ेंगे, कुछ बंटवारा कर लेंगे सही, तो फिर उनके लिए हितकर होगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सीटों को लेकर जो एक राय शुमारी की बात है, अभी तक बहुत स्पष्टता जो है वो नहीं आई है, ऐसे में अभी कांग्रेस का जो सामने आ रही है। विशाला बनी रही है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए, वापस सभी का एक एक करके रुक करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अखिलेश के फॉर्मूले पर जयराम रमेश का बयान आया है, फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। जयराम कह रहे हैं सीट बंटवारा अहम मुद्दा है, ये जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है। वी आर गेटिंग देयर इन यूपी, वी गेटिंग देयर इन यूपी, वी डोंट हैव अ फाइनल फिक्स। सो आई थिंक इट इज रॉन्ग टू से दैट द कांग्रेस, जो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं हो पाया अब तक, ये गलत है, क्योंकि कठिन इशू है ये। आपके मुंह से कहलवा रहे नहीं, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो लोग सोच रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां कह रही हैं कि हम डिले हमारे वजह से हो रहा है, ये बात नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी एक समिति है, वो लोग बैठ कर रहे हैं, मोहन प्रकाश बात कर रहे थे बिहार में। तो चलिए एक बार फिर से तमाम सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। जयराम रमेश को अभी आप सुन रहे थे, वो यही कह रहे हैं कि अभी बातचीत चल रही है, ये एक अहम मुद्दा है। आपको लेकर चलते हैं मैनपुरी, इस वक्त अतुल वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ये जो फॉर्मूला सुझाया है अखिलेश यादव ने, इसको लेकर मैनपुरी की जनता क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने 11 सीटों का फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी को दिया। तमाम लोग हमारे बीच मौजूद है, उनसे जान लेते हैं, 11 सीटें कांग्रेस के लिए प्रपोजल दिया है अखिलेश यादव ने, गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन जा रहे हैं, कैसा महागठबंधन गया? पता लगे की अपनी सीटें ले बैठे, इससे तो अच्छा है की अगर स्वयं अगर लड़ते तो ज्यादा अच्छा रहता, न कि किसी दूसरे के कंधे में बंदूक रखे, जमा खुद लड़े ना भाई, क्या मतलब है किसी के साथ भाई? आप एक मजबूत कद्दावर पार्टी के नेता है, आप आपके पिताजी भी रहे हैं, मजबूत रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन आपका जो है भाई अच्छा है, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्या पता है आप पार्टी? बिल्कुल, देखिए और भी लोग मौजूद हैं, क्या लग रहा है 11 सीटें कांग्रेस को अखिलेश यादव प्रपोजल दे रहे हैं? मेरी समझ में तो 11 सीटें भी नहीं देनी चाहिए थी, एक सीट देनी थी कांग्रेस की तरफ से, सुना है बिल्कुल ना सकते हैं, समाजवादी पार्टी अगर अकेले आती है तो उससे ज्यादा। अच्छा, अकेले ज्यादा फायदा होगा, क्या लग रहा है आपको 11 सीटें? भैया 11 दी हूँ चाहे जितनी भी दी, मैंने इंडिया गठबंधन को जिताना, समाजवादी पार्टी पूरी पुरजोर कोशिश में लगी भाजपा को कैसे भी हराया जाए, मेन मुद्दे जो है उन पे हटा के भाजपा इधर उधर की बातें कर रही है। 11 सीटें दी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी है, ये उनका फैसला है, मैन है, इंडिया गठबंधन को जिताओ, भाजपा को हराओ। देखिए इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन और भी लोग मौजूद हैं, आपसे जान लेते हैं, 11 सीटें कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे रही है, उत्तर प्रदेश में इतना जनाधार है, क्या लगता है 11 से ज्यादा क्या निकाल सकती है या कम निकलेंगी? नहीं, एक भी सीट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, क्यों? क्यों, वो पार्टी अपने वजूद की लड़े तो उसमें ज्यादा फायदा है समाजवादी पार्टी। अच्छा,
पहले भी गठबंधन हुए हैं, बसपा से भी गठबंधन हुआ था, तमाम लोग चुनाव में लड़े हैं और जो नतीजे हैं वो देखने को मिले हैं। बातचीत करते हैं आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कांग्रेस की सियासी जमीन को देखते हुए कि कांग्रेस को तो एक भी सीट देने की जरूरत नहीं है, अकेले ही समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने की जरूरत है। ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं, और नाप से ज्ञानेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ है। ज्ञानेंद्र, उन्नाव की जनता के क्या कह रही है और वहां पर किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं अखिलेश यादव के इस ऑफर के बाद? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दें कि जैसे ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, एक बार लगा था कि यूपी में गठबंधन की जो परतें हैं वो साफ हो गई हैं, लेकिन वही जो कांग्रेस नेताओं का उसके बाद बयान आया, उसके बाद लग रहा है कि नहीं, अभी भी कहीं पर पेच फंसा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग भी मौजूद हैं जो सपा, कांग्रेस और भाजपा से जुड़े हैं, हम इनसे ही जान लेते हैं। सबसे पहले सपा वाले पास चलते हैं। अभी देखा आपने अखिलेश जी का, ग्यारह सीटें दी जी, क्या तैयारी है आप लोगों? देखिए आदरणीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे सर्वमान और सबसे लोकप्रिय नेता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश की राजनीति को जनपद वार, सीट वार, लोकसभा वार और विधानसभा सीटों वार बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और यदि वो कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा, परिणाम देने वाला होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अगर अध्यक्ष जी ने ये 11 सीटों का जो फार्मूला दिया है तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बेहतर होगा, गठबंधन के भी हित में होगा। हम लोग का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना, जो जिताऊ सीटें हैं उन पर ही निर्णय लिया गया होगा मुझे ऐसा लगता है, और हम लोग जनपद के दायित्व है हम लोग के पास, तो हम लोगों का केवल इतना दायित्व है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लें, जो जनपद को प्रत्याशी दे, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या गठबंधन का हो, हम लोग को उसको जिताना हमारा प्रथम कर्तव्य है, और निश्चित तौर पे हम लोग उत्तर प्रदेश में उसकी पर इतिहास लिखने जा रहे हैं। अब तक का सबसे बेहतर रिकॉर्ड, जो परसेप्शन अभी जो है आपको दिख रहा है, बनाया जा रहा है, उससे बहुत ही अलग नतीजे आपको सामने दिखाई पड़ेंगे। तो ये सपा के हैं नेता, इनके इन्होंने कहा जो अखिलेश यादव ने किया, वो सही कि इस पर हम कांग्रेस के नेताओं के। मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूं तमाम से।